नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग अराइज के ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड गाइस, आज के एपिसोड में मैं तुम्हें एकदम खतरनाक वाला इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे तुम्हें 10,000 20,000 मैं भी गिन नहीं पाया भाई, इतने 1,000 एसेंस स्टोन्स मिलेंगे। साथ ही साथ 100+ कस्टम ड्रॉ टिकट्स मिलेंगे। एंड कैसे मिलेंगे, चलो आगे देखते हैं। गाइस, पिछले एपिसोड में हमने 100+ समन्स किए थे और हमारे साथ जो टट्टीगिरी हुई है ना भाई, वो तुम वीडियो में जाके देख लेना। बहुत सारे फनी और साथ में सरप्राइजिंग मोमेंट्स भी थे, लकी मोमेंट्स भी थे, खराब ऐसा नहीं था। एंड 10,000+ एसेंस स्टोन्स के लिए तुम्हें एक नया फीचर आया है सोलो लेवलिंग अराइज में, उस पर चेकआउट करना है, और जिसका नाम है बॉन्ड। नाम सुन के ही समझ गए होगे कि कितना पावर है इसमें। बॉन्ड्स की ताकत तुम्हें पता ही है गाइस, ये कोई चैलेंज टाइप का नहीं है, किसी से तुम्हें बैटल ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये काइंड ऑफ अचीवमेंट टाइप का है। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत से कैरेक्टर्स के टीम बने हुए हैं, एंड ये टीम कोई रैंडमली नहीं बने, मैनवा से रिलेटेड है। लाइक इन दोनों का स्टार्टिंग में टीम था सर्विलियंस टीम के नाम से, और देख सकते हो तुम यहाँ पे कैरेक्टर्स को लेवल अप करने पे हमें एसेंस स्टोन्स गोल्ड बहुत कुछ मिल रहा है, एंड कस्टम टिकट भी। एंड हाँ, एक चीज है इसमें, ये कैरेक्टर्स तुम्हारे पास रहने चाहिए, एंड रिवार्ड के नाम पे तो यहाँ इतना मिल रहा है कि क्या ही बताओ। बट हाँ, इधर ये एडवांसमेंट वाले सेक्शन में बहुत रिसोर्सेज लगेंगे, सो अभी तो मैं बोलूंगा तुम्हें फोकस करना इस एसेंस स्टोन वाले सेक्शन में, और ये ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ लेवल 30 तक का ही रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं पे 40 का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे 150 एसेंस स्टोन्स भी मिल जाते। और हाँ गाइस, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसा कि देख सकते हो ली जोई जो हमें स्टार्टिंग में मिलती है, मैं इसको 30-40 लेवल तक किया था, इनफैक्ट 50 लेवल तक कर दिया। अरे यार, मैं ध्यान ही नहीं दिया भाई, एंड मुझे इतने सारे रिवार्ड मिले, यहाँ तक कि एक रून स्टोन भी मिला है। एंड एक चीज तुम लोग नोटिस कर रहे हो कि बहुत से बैनर में सेम सेम टाइप के कैरेक्टर्स भी है, तो क्या तुम्हें सेम कैरेक्टर्स पे मिलता है रिवार्ड्स? ऑफ कोर्स गाइस, लाइक तुमने एक कैरेक्टर को लेवल अप कर दिया और वो अगर मल्टीपल बैनर में है तो सेम मिशंस रहते हैं, जैसा कि मैं दिखाता हूँ सीओ जिनवेव का। तुम्हें किधर गई, ये रही, करेंटली बेस्ट वाटर टाइप हंटर है, और इसको तुम देख सकते हो मैं लेवल अप किया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिले जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं किया हूँ, लाइक 150 एसेंस स्टोन्स। और यही चीज तुम्हें दूसरे टीम में दिखाता हूँ, वहां पे भी सेम क्राइटेरिया होगा लेकिन, और रिवार्ड्स भी सेम होंगे। देखना, ये देखो गाइस, सेम बैनर में लाइक एक कैरेक्टर को लेवल अप करो और जितने भी इनके टीम्स बने हुए हैं वहां से सारे में से रिवार्ड उठाओ। मस्त है ना, ये तो बिल्कुल सन जिनवु जैसा चीटिंग करता है पावर के लिए, वैसा है भाई। एंड सो गाइस, यहाँ पे मिशंस रहते हैं, इनको कंप्लीट किया करो और माला माल रहो भाई जेम्स के साथ। इतने जेम्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें भाई, जेम्स बोल रहा हूँ एसेंस स्टोन्स। एंड आई नो बहुत गोल्ड्स लगते हैं लेवल अप करने में, बट उतना गोल्ड तुम्हें इधर लेवल अप करने में ही मिल जाता है, देख सकते हो भाई 1 मिलियन, नहीं 1 लाख है भाई, 1 मिलियन को ज्यादा ही बोल दिया। एंड फुल ऑन जेम फार्म कर लो इधर से, क्योंकि नेक्स्ट बैनर या उसके नेक्स्ट बैनर में बहुत हैवी वाला हंटर आने वाला। और हाँ, और एक चीज गाइस, अभी जो नया बैनर आया है एलिशिया का बैनर, उसमें कितनों ने समन किया और कितनों को एलिशिया मिली, और वो भी कितने फुल्स में। एंड व्हाट द हेल यार, सोलो लोडिंग फिर से शुरू यार, क्या क्या बोलूं मैं, कैरेक्टर्स की वजह से गेम खेलता हूँ, अदरवाइज ये सोलो लोडिंग मेरा बहुत दिमाग खराब कर देता है भाई। एंड एक चीज जो कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, इसमें तुम्हें वो कैरेक्टर्स जरूर चाहिए होंगे, अदरवाइज तुम उनसे रिवार्ड नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम्हें इसमें सारे कैरेक्टर्स चाहिए। और हाँ, टेंशन मत लो, एक बैनर में मिस हो जाता है तुम्हें कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइक क्या बोले, दो तीन बैनर के बाद जो कैरेक्टर रहता है ना पुराना वाला, वो तुम्हारा कस्टम टिकट बैनर है जो, उसमें वो अवेलेबल हो जाता है। सो कभी ना कभी तो बॉन्ड सिस्टम से सारे एसेंस स्टोन क्लेम कर ही लोगे। एंड गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ तुम्हें, तुम लोग देख सकते हो मेरे संजिनवू का अभी पावर 58K का और लेवल 55 का है। रुको, नहीं ये 60 हो जाएगा यार, सही आइटम में रखा नहीं, हाँ डेथ साइट को रख देते हैं, डेथ साइट ऐसे नाम नहीं है, शैडो साइट नाम है, बस मेरे को लगता है ये डेथ साइट जैसा ही। एंड गाइस, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ना क्योंकि करेंटली अभी जो मेरा जॉब है वो मोनार्क ऑफ शैडोज का, और हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं मोनार्क ऑफ शैडोज रिबेल लीडर में। यार क्या ऑसम दिखता है ना इसमें, और लेकिन इसके लिए मुझे हार्ड मोड का चैप्टर 8 कंप्लीट करना है, साथ ही साथ 70K तक का कॉम्बैट पावर चाहिए होगा, अभी 60K है मतलब और 10K चाहिए। और गाइस, रिवार्ड में हमें डेसिमेशन स्किल मिलेगा जिसमें ऑलमाइटी ब्रेक और डैमेज बहुत होगी। ऐसे मेरे पास ऑलमाइटी ब्रेक है, पहले से दिखाता हूँ ये वाला, लेकिन इसमें ना डैमेज कम है, लाइक देख सकते हो 530 का ही है, और मैं इसको अपग्रेड भी कर चुका हूँ। और ये देखो, यही वो वाला है जो हमें मिलेगा, अरे 1200 दिखा रहा है, हाँ मैंने लेवल अप जो कर लिया है।
एंड सो गाइस, नेक्स्ट जो मेरा एम है वो रिबेल लीडर बनने का, जिसके लिए मुझे और 10,000 CP चाहिए होंगे, और वो मैं कैसे अचीव करूंगा ये तुम्हें मैं नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी आर्टिफैक्ट्स नहीं है वो वाले पूरे सेट वाले अच्छे। एंड और एक चीज़ है गाइस, तुम्हें डेली ना बहुत जगह से एसेंस स्टोन मिलते हैं जिनको तुम देखे नहीं होगे, लाइक ये डेली पॉइंट्स वाले में 70 का मिलता है, एंड साथ ही में यहाँ पे वीकली वाला भी है जिसमें यहाँ से भी तुम्हें बहुत डायमंड्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे 50 पे मिलता है 90 पॉइंट्स पे। एंड ये क्या हो गया यार, अच्छा रेपुटेशन लेवल बढ़ा, नाइस। ओके यहाँ पे गोल्ड है, हाँ यहाँ पे 50 एसेंस स्टोन्स, और 150 पॉइंट्स पे तुम्हें 150 एसेंस स्टोन और मिलते हैं। सो गाइज, ये सब पे ध्यान दिया करो, छोटे छोटे मिशंस करने होते हैं, तुम्हें थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे और इसी से तुम्हारा बैंक बैलेंस इस गेम में बढ़ता है। एंड गाइज, और एक चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अभी आर्मी ऑफ शेडोज में ना मेरे पास अभी इतना शेडो एनर्जी हो गया है कि मैं और एक शेडो अनलॉक कर सकता हूँ, लाइक इसको आयरन मसल बाउंड मैनेज के नाम से है। एंड और एक है तुम्हारा बड़ा भालू ये रहा भाई। एंड मैं सोच तो रहा हूँ इन दोनों में से किसको करो, क्या बोलते हो किसको करे पहले, क्योंकि एक ही को अभी कर सकते हो, और ये भाई जो इसके पीछे में जो शेडो वाला है इसको मेरे को करना है भाई, ये शायद से अभी अवेलेबल नहीं है। एंड सो गाइस, यही चीज बताना था और थोड़ा फ्लेक्स मारना था क्या भाई सन जिनवू का गेम खेल रहे हो, थोड़ा सन ड्रिप को तो दिखाना पड़ेगा। एंड सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज के साथ आऊंगा। एंड हाँ, वो चीज़ तुम मिस ना करो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इनके पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने का, वहाँ से ना वो लोग मुझे कुछ कोड्स देते हैं जो कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ, और तुम्हें बहुत सारे रिवार्ड्स, एसेंस स्टोन्स, गोल्ड, दिस दैट, भाई बहुत कुछ मिलते रहता है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए द गुड्स द बाइस।